हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ढेर सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए और ढेर सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ढेर सारे क्वेश्चंस पुट अप किए। इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और कुछ स्पेशल ट्रिक की बात करेंगे जो कि लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप बहुत टाइम सेव कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये है 10-20 डिग्री, 10-35 डिग्री, 10-45 डिग्री, 10-55 डिग्री, 10-70 डिग्री। हमें प्रूव करना है इसे इक्वल्स टू 1। क्या बेस्ट वे होगा इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखो क्या करना है। यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास, हमने सबसे पहले LHS लिख लिया, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 10-20 डिग्री, राइट, 10-35 डिग्री, एंड जो भी वैल्यू आपको गिवन है, जिसके भी आंसर्स आपको पता है, लेट से 10-45 हमें मालूम है, तो ये हमने इसको 1 लिख दिया, क्लियर है। इसके बाद आ गया आपके पास 10-55, ठीक है, 10-70। अब आपको इनको देखते समय कुछ ऐसा लगेगा कि इनकी वैल्यूज़ तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे जो वैल्यूज़ पता होती हैं वो क्या हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आपको दिखेंगी कुछ अननोन टाइप की वैल्यूज़ होंगी जिनको आपने सुना भी नहीं है। लेट से अगर मैं बात करूँ 120 डिग्री, तब भी आप जानते हो 90 प्लस 30, दैट इज 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप इस तरह से सॉल्व कर पाओ। तो करना क्या एग्जैक्टली, ध्यान से समझना। कुछ वैल्यूज जो आएंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही यूज होगा, उसके बाद वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, देखो इन दोनों का सम कितना है 90, ठीक है, इन दोनों का सम कितना है 90, दैट्स इट, बस यही एक चीज करना है। कभी भी दो हमें पेयर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो दो दो चीज़ें हैं उनमें से एक ही में 90 डिग्री का प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि 90 जब करोगे तो क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो इसलिए एक दूसरे को हम कट कर देंगे। समझ आया होगा, ध्यान से समझना। हमारे पास ये क्या है 10-20, ऐसे ही रहने दो, ये हो गया 10-20 डिग्री, क्लियर है। 10-35 भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये हो गया 10-35, क्लियर। 55 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 35। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, 10-90 माइनस 20 डिग्री। एक खास बात और आपको दिमाग में रखना है, वो ये है कि यहां जो आप डिफरेंस वैल्यूज रखेंगे वो वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको जस्ट ये चेक करना है एक बार कि क्या इन दोनों के सम 90 हैं, अगर हैं तो ऐसा होगा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, ये क्या हो गया, ये आपके पास 10-20 डिग्री, ये 10-35 डिग्री, राइट। इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ cot 35 डिग्री और इसको लिख सकता हूँ cot 20 डिग्री, क्लियर है। क्या मैं 10 से कॉट को कट कर दूं, बिल्कुल आंसर है कि नहीं कट करेंगे। रीजन समझना, आपको पूरा का पूरा बोर्ड के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जिस तरह से ढेर सारे बच्चों ने हाईएस्ट अचीव किया, 100 out of 100 अचीव किया, उसी तरीके से आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। इन जनरल मैंने देखा कुछ बच्चे स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा होता उन्हें, तो उनको लग रहा होता कि सर 100 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन बाद में जब वो प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारे टेस्ट में उनके फुल मार्क्स आते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। अगर कहीं क्वेरीज आती हैं तो आप मेरे को डिस्कस करो, मैं बताऊंगा, अगर पॉसिबल होगा, अगर टाइम मेरे पास बनता है तो मैं आपको जरूर उसके बारे में आंसर दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझो, ये आपको क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ स्टेप फॉलो क्या करना है वो ध्यान से देखना है। ये आ गया मेरे पास 10-20 डिग्री,
ठीक है, ये आ गया आपके पास 10 35 डिग्री। यहाँ एक केस और हो सकता था कि इनको ही मैं कॉट में कन्वर्ट कर लेता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इनको कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूँ कि सारे फार्मूले कुछ भी अगर सेक में है, कोसेक में है या कॉट में, उन सबको हम साइन कॉस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक कम्फर्ट जोन आपका जो है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो साइन कॉस 10 में आपको बहुत अच्छा सारे फार्मूले लर्न कर लो, उन सबको आप कन्वर्ट कर लो इसमें, तो आपको 50% फॉर्मूले ही लर्न करने पड़ेंगे। यू गॉट माई पॉइंट, ध्यान से समझना। तो अब कितना हो जाएगा ये 1/10 35 डिग्री, 1/10 20 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो दोनों कट रहे हैं, लेकिन काटना नहीं होता, काटने का मतलब CBSE यही मान के चलेगा कि आपने इसको कट कर दिया। ICSE कोई सा भी बोर्ड है, वहाँ पे कट करने का कोई नॉर्म नहीं है, तो आप सिंपल वे में इसमें क्या लिख देंगे, इट बिकम्स 1, That is RHS, that was to be proved. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे देन यू विल गेट अ गुड आंसर, गुड मार्क्स ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देख। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या बेस्ट वे होगा, आप चाहो तो इसे पॉज करके मेरी वीडियो को आप एक बार सॉल्व करके देखो क्या आप इजिली इसको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वीडियो आप फिर से रिवाइंड करके बार बार समझो क्या स्टेप्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या आप सोच रहे थे। जब तक आप खुद नहीं लगाओगे मैथ्स को, मैथ्स आपकी लाइफ में इजी नहीं हो सकती, और अगर आपने खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो आप अपना करियर मैथ्स में ही बनाओगे। ध्यान से समझना क्या करना है इसमें। यहाँ पे LHS लेते हैं, वी हैव टू प्रूव दिस, ये हमारा प्रूव दैट क्वेश्चन ही होगा, क्लियर है। CBSE में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे होगा ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है, देखो इन दोनों का जो सम है एंगल का, केवल एंगल का सम चेक करो, कितना है, अगेन 90 है ना, 40 + 50 दैट मेक्स 90, राइट। तो मैंने साइन को क्या लिखा, इसको लिख लिया मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस, ठीक है, 40, ठीक है, 90 माइनस 40 माइनस थीटा मीन्स लाइक दिस, ऐसा कर लो, ध्यान से देखो। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस, एक बात और ध्यान रखना होगा ब्रैकेट्स का, मैंने बहुत बार देखा बच्चों के इस बात के भी मार्क्स कटते हैं, आपको एक एक बात बारीकी से समझनी, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो 100 out of 100 अचीव करने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझना। तो आपको ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ऑलरेडी ये है आपके पास, इसको चेंज मत करना, क्योंकि हम यही लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इसे ही बदल दिया, कैसे मिलेगा ये, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब बारी आती है आपकी इस वाले पार्ट की, तो ये कितना है 10 1 है, ठीक है, 10 1 के साथ कौन सा आ सकता है, आप ध्यान से समझना, 1 में क्या ऐड करोगे, 90 हो जाएगा, 89 ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, समझ आ रही बात। तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 10, ठीक है, 90 माइनस 1, 10 90 माइनस 1, मतलब मैंने पेयर इसका और इसका पेयर बनाया, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन से आप समझोगे तो दोबारा कभी रिवाइज नहीं करना पड़ता मेरे लेक्चर्स को, आप ध्यान से समझना, एक ही बार में आपको समझ में आ गया, कभी भी आपको दोबारा इसको कभी भी आपको दोबारा से करके भी नहीं देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपके दिमाग में एक बार बस आ गया, दैट्स इट, समझ आया, 89 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, आपके दो पार्ट्स हो चुके हैं। अब आप ध्यान से देखो कि मेरे पास है 10, ये है आपके पास, ठीक है, तो ये लिख लिया आपने 10 10 डिग्री, ठीक है, ये 10 डिग्रीज हैं सारी, आप ध्यान रखना, दीज आर डिग्रीज, क्लियर। अब 90 में से 10 डिग्री करो कितना मिलेगा, 80 डिग्री है क्या, यस, हमारे पास यहाँ पर है, ये आ गया, इसके पास हमने लिख लिया फिर 10, 90 माइनस 80, 90 माइनस 10 डिग्री, 90 माइनस 10 डिग्री, क्लियर हुआ। अब आप ध्यान से देखो ये कितना लिखा हुआ, 10 80 ये हो गया और 10 10 ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बचा आपके पास, वो ध्यान से देखना, रेस्ट जो बचे हैं, इन दोनों बचे, इनको भी माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 10 20 डिग्री इंटू 10 कितना आएगा, 90 माइनस 20 डिग्री, क्लियर है, समझ आया। अगले स्टेप में आते हैं, ध्यान से समझो, हमने यहाँ क्या लिखा था, अब ध्यान से समझो तो कितना हो गया ये, इस वैल्यू को अगर आप चाहो, ये हमारा क्या था, ध्यान समझना, ये साइन था,
ये साइन है, हमने कॉस लिखा था, अब कॉस में कन्वर्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हल्का सा आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, हमने साइन को ही कन्वर्ट करना था। तो एक्चुअल में अभी क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तभी ये प्लस होगा, क्लियर है। तो ये है आपका साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, आपको एंगल ये क्रिएट करना है यहाँ पे, और एक बार ओपन करके देखो वैल्यू क्या आ रही है, 90 माइनस 40 दैट इज 50, ये है माइनस माइनस प्लस 50 प्लस थीटा, इजंट इट, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से समझो, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये हो गई कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यही होगा, ये वैल्यू आ गई। माइनस आपके पास है कॉस 40 माइनस थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, जीरो आ गया यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ कितना आएगा, टेन वन, और ये कितना आया, कॉट वन, ठीक है। तो यहाँ पे ही एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट वन, टेन कैन बी रिटर्न कॉट वन, क्योंकि कॉट बनेगा वो, एक स्टेप बढ़ेगा, बचेगा अपना, इस वजह से ये कितना है, वन अपॉन कॉट 10, ये कितना हो गया मेरे पास, cot 10, ये कितना मेरे पास, 1 upon 10, 10 means cot, 1 upon cot 20, यहाँ कितना आया, cot 20। आप ध्यान से देखो, ठीक है, सब कैंसिल होते चले जा रहे हैं, यही होगा इसमें, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 1, तो दैट इज 1, दैट इज RHS, दैट वॉज टू बी प्रूफ। समझ आया, मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन चाहिए, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का हो जाएगा कि आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आने लगेगा और एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 2001 में पूछा गया CBSE के अंदर, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। आपके पास यहाँ पर है साइन, जो मेन चीज़ देखनी है आपको, क्या देखना है, ये क्वेश्चन क्यों सॉल्वेबल है, क्यों सॉल्वेबल नहीं है, या आपको पहले फोकस करना होता है, ध्यान समझना होता है, दोनों के सम कितने हैं, 90, सम 90, सम 90 हो जाएगा, दैट वेरी सिंपल, कैसे होगा ध्यान से समझना, ठीक। यहाँ क्या आएगा, ये अगर मैं इसको लिख लूँ साइन, ठीक है, साइन 50 अपॉन कॉस 90 माइनस 50, 40 कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस, कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया आपके पास कोसेक 40 अपॉन सेक 90 माइनस 40, इजंट इट, माइनस 4 टाइम्स, ये क्या कर सकते हैं हम इसको, कॉस 50, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 50, 40 कैन बी रिटर्न लाइक दिस, है ना, 40 कैन बी रिटर्न लाइक दिस, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। चलिए आगे देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 50, तो ये आ गया आपके पास साइन 50 अपॉन साइन 50, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया कोसेक 40, ये हो गया सेकेंड का मतलब कोसेक ही आएगा, तो कोसेक 40, राइट, ये 40 आ गया, क्लियर, माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस 50, एंड ये कितना होगा सेकेंड 50, राइट। नाउ 1 प्लस 1 दोनों कट गए, 1 बचा, माइनस 4 टाइम्स कॉस 50 अपॉन कॉस 50, अब कैंसिल होगा, एक स्टेप दिखाना होगा, क्वेश्चन करते समय बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, एक एक स्टेप दिखाना है, ठीक है, ध्यान से समझो, कितना हुआ ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1, राइट, दैट इज 2, दिस इज 2, माइनस 4 कैंसिल हुआ, माइनस 4 कितना आया, माइनस 2, ठीक है, दैट इज योर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, CBSE 2004 में आया है, और किस तरह से सॉल्व होगा ध्यान समझना, ये है साइन 68 डिग्री अपॉन कॉस 22 डिग्री माइनस कॉट 15 डिग्री अपॉन टेन 75 डिग्री माइनस
-3 टाइम्स ऑफ 10 45, 10 20, 10 40, 10 50, 10 70 डिग्री, सारे डिग्रीज हैं ये ध्यान रखना, दीज आर द डिग्रीज, ठीक है, एंड हेयर, ठीक है, अपॉन 5, नॉट इट इज नॉट अ डिग्री, इट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज 5, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होगा, ध्यान से समझना, हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों का सम का जो प्रोसेस बताया मैंने, बस दैट इज अ की पॉइंट, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्वेश्चन देखते आप कर दोगे उसको, ठीक है। क्या करना है, इसको क्या लिखना है, ये है आपके पास साइन, साइन को ऐसे ही रहने दो, साइन 68 डिग्री, राइट, अपॉन कॉस, क्या होगा ये हो जाएगा 90 माइनस 68, चेक करो आ रहा 22, आ रहा आएगा ही, माइनस 2 कॉट 15 डिग्री अपॉन 5 टाइम्स 10, कितना 90 माइनस 15 दैट इज ऑल्सो 75, माइनस 3 टाइम्स 10 45 इज 1, 10 20 लिख दो ऐसे ही। अब 70, इन दोनों का सम कितना है 90, तो 70 लेना होगा इसके साथ, तो आप क्या लिखोगे 10 90 माइनस 20 कितना हो गया 70, ये पार्ट आपका यहाँ कवर हो गया, क्लियर है ना, ध्यान समझ लो, ठीक है। अब बारी आती है 10 20 कवर हो गया, 10 40 और इसको लिखना होगा 10 90 माइनस 40 कितना बचेगा 50, तो 50 को हमने ये लिख दिया, क्लियर है, अपॉन कितना है ये 5, क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब आप ध्यान से देखो तो कितना हो गया 2 और ये कितना आएगा साइन 68 डिग्री अपॉन साइन 68 डिग्री माइनस 2 टाइम्स कॉट 15 डिग्री अपॉन 5 टाइम्स कॉट 15 डिग्री, क्लियर है, माइनस 3 अपॉन 5 कितना होगा 10 10 20 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये पूरा कर लेता हूँ, यहाँ आ गया कॉट 20 डिग्री और यहाँ कितना आया मेरे पास, यहाँ आया 10 90 कितना हुआ कॉट 20 डिग्री, क्लियर है, मुझे कट करना है इसलिए इसको नीचे ले आया, क्लियर है, आते ये हो गया पार्ट मेरा, यहाँ पे कितना आया 10 40, नीचे जाएगा कितना हो जाएगा कॉट 40 डिग्री, 1 अपॉन कॉट मतलब नीचे, मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये 1 अपॉन कॉट हो गया, 1 अपॉन कॉट इज 10, राइट, और यहाँ कितना आएगा कॉट ऑफ, ठीक है, 10 90 माइनस 40 दैट कॉट 40, तो आप ध्यान से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास क्या बचा, वो चीज़ ध्यान से देखो, ये बचा 2 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5, क्लियर है, समझ आया। कभी कभी क्या होता है, जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, छोटी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सॉल्व करते समय, एलसीएम लेते समय मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वहाँ पे सबसे ईजिएस्ट वे क्या होगा सॉल्व करने का, ध्यान से समझना, आपके पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ क्या करना होगा 5 अपॉन 5, दैट्स इट, ज़्यादा आप एलसीएम के चक्कर में पड़ोगे, कभी कभी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते, तो सिंपल। अब ये कितना हो गया ध्यान से, 10 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन कितना 5, कितना हो गया ध्यान से देखो, ये कितना है 5, मतलब 5 अपॉन 5 दैट इज 1, दैट्स इट, राइट, 10 माइनस 5 दैट इज 5 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 बिकम्स 1, समझ आया, ठीक है, ओके।